हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमा हैदर और सचिन के बारे में। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे, आपको वीडियो मिल रही होंगी कि एक पाकिस्तान की लेडी किस तरीके से इंडिया में इलीगल तरीके से आई है और इंडिया में रह रही है। कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं फिल्मों की तरह की, तो एक वीर जारा की कहानी है, इस लेडी को भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए। तो इससे जुड़े आज सभी फैक्टर बात करेंगे कि इस मैटर में क्या होना चाहिए और आप भी अपनी इसमें राय दीजिएगा। दोस्तों, एक पांचवी पास महिला, जो केवल पांचवी पास है, चार बच्चों की माँ, पाकिस्तान से दुबई आती है, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा इंडिया में दाखिल हो जाती है। क्या यह एक संभव है? और उस लेडी का आप कॉन्फिडेंस देखिएगा, न्यूज चैनल पर भी आपने देखा होगा, वह कितनी हंसी मुस्कुराते हुए अच्छी हिंदी में बात कर रही है, उसके मुँह से उर्दू शब्द बहुत ही कम निकलता है। सीमा, ये बताइए ना कि अब लोग आपसे मिलने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैसा अनुभव है आप लोगों का? क्या ये अभी शुरू हुआ या इससे पहले भी ऐसे ही लोग आपसे मिलने आ रहे थे? मैं कल से आई हूँ सर, तो कल से ऐसे ही मेरे लोगों के आने जाने, सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। सचिन के परिवार से सपोर्ट मिल रहा है आपको? फुल सपोर्ट है इनके परिवार से सर, पूरा परिवार आपके साथ है। अब क्या चाह रहे हैं आप, क्योंकि सारे लोग भी आपके साथ है, सचिन आपके साथ है, परिवार आप बता रही हैं, अब आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही कि बस मेरे पति से मेरी कोर्ट मैरिज हो जाए और नागरिकता यहाँ की मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए डाउट होता है कि यह वेल प्लान्ड पाकिस्तान की तरफ से एक जासूस भेजी गई है। दूसरा दोस्तों, अगर यदि उसके पास चार बच्चे हैं तो बच्चे कहाँ हैं? वह बोलती है कि बच्चे मैं अपनी बहन को दिया, चारों के चारों। हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड मेरे दुबई में थे, है ना, और जो उनके हस्बैंड दुबई में, उनका भी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, वह भी एक वार करें कि मेरी बीवी इंडिया चली गई, मेरी बीवी इंडिया चली गई, जो कि फर्जी वीडियो प्रतीत हो रहा है उनके बात करने और बोलने के तरीके से, सब कुछ नकली और फर्जी लग रहा है। तो दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि इनको नागरिकता दे देनी चाहिए, तो लव का मामला है, प्यार का मामला है। दोस्तों, इतना पैसा एक अनपढ़ लेडी के पास, जिसका हस्बैंड भी उसके साथ नहीं रहता, कहाँ से आया? दूसरा, जो सचिन आपने देखा होगा, वह हमेशा न्यूज चैनल के सामने डरा डरा दबा दबा सा रहता है, उसका उससे कैसे संपर्क हुआ? वह यह कह रहे हैं कि वो पबजी के थ्रू मिले थे, पबजी पे बातें, पबजी खेलते थे। पबजी को बंद हुए दोस्तों 3 से 4 साल हो चुके हैं, 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया था। इंडियन इंटेलिजेंस कह रही, वे यह कह रही है, सीमा हैदर के जो चाचा यानी अंकल हैं, वह पाकिस्तान आर्मी में है, सीमा हैदर का भाई भी पाकिस्तान आर्मी में है, यह जासूस है और जासूस बन करके आई है। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें कि एक ऐसी अवैध घुसपैठी को इंडिया में रहने देना चाहिए या ना रहने देना चाहिए, और इसके खिलाफ सभी UPETs वगैरह भी जांच एजेंसी लगी हुई हैं, पूरे मामले को देख रही हैं। तो आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दें कि आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं।